इस वक्त हम पहुंचे हैं कोसी नदी में, जहां बड़ा हादसा हुआ है। आज सुपौल में बड़ा हादसा हुआ है, मरीचा गांव बताया जा रहा है। यहां जो है एशिया का सबसे लंबे पुल का निर्माण हो रहा है और इसका एक स्पेन गिर गया है, जिसके नीचे जो है कई मजदूर के दबने की सूचना थी। और इस सूचना के बाद जो है जब प्रशासनिक आला अधिकारियों की टीम पहुंची, तो उसके बाद जो है जायजा लिया गया, तब जो है एक मौत की जो है पुष्टि हुई है। यहाँ आप वो स्पेन देख सकते हैं कि यही वो स्पेन है जिसके नीचे जो है कई मजदूर दब गए, एक की मौत हो गई और काफी संख्या में मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। क्या बताएंगे, कैसे हुआ है हादसा? गुणवत्ता के चलते हुआ है हादसा, मतलब आप थे हादसा के बाद? हाँ, हादसा 10 मिनट के बाद हम लोग आए। ये हमारे गांव में ही बन रहा है पुला, ये इसका जो ट्रांसरियल कंपनी का जो पीडी है प्रदीप कश्यप, उसके वजह से हुआ है ये घटना। सेफ्टी का क्या इंतजाम? कोई इंतजाम नहीं, कुछ नहीं है यहाँ, कोई सेफ्टी। क्या बता रहे हैं, यहाँ पर सेफ्टी के कुछ भी इंतजाम नहीं है। यहाँ पर धरातल सूखा हुआ है सारा कुछ, ने किरान की व्यवस्था है ने कुछ। प्रदीप कश्यप जी जो है प्रोजेक्ट इंचार्ज जो है उसका पूरा इसमें तो आप सीधी तस्वीर में देखिए कि सुपौल जिला अधिकारी के साथ साथ जो है सुपौल एसपी भी यहाँ पहुंचे हैं, खुद जो है माइकिंग कर रहे हैं, ताकि यह जो हादसा स्थल है, हादसा स्थल से जो है लोगों को दूर किया जा रहा है, ताकि यहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम हो वो उसमें जो है कोई बाधा ना उत्पन्न हो, रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है कोई कमी ना हो, इस उद्देश्य से जो है लोगों की भीड़ को थोड़ा किनारे किया जा रहा है। और यहाँ जो है खुद जिला पदाधिकारी और सुपौल एसपी भी यहाँ मौके पर जो है काफी देर से यहाँ डटे हुए हैं। एजीओ साहब, क्या अभी वर्तमान स्थिति क्या है? बैठने के लिए क्या स्थिति क्या लग रही है? अभी स्थिति नियंत्रण में है, और ये जब से घटना हुई है हम लोग को सूचना मिली और हम लोग पूरा तरस किए हैं। यहाँ पे एनडीआरएफ की भी टीम आ गई है और हम लोग भी जिला पुलिस और सभी बल यहाँ पे उपस्थित हैं। हम लोग आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से जो है भीड़ जुटी हुई है, क्योंकि हादसा बड़ा है, तो हादसे को लेकर यहाँ जो है लोग जो है घटना को देखने के लिए दूर दूर से पहुंचे हैं। यह कोसी नदी का इलाका है और कोसी नदी में यह बड़ा हादसा